बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस स्टेशन नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस टीम ने हाल ही में एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान 3 चोरी किए गए मोबाइल फोन और 1 देसी कट्टा के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, जिससे बाहरी उत्तरी जिले में स्नैचिंग के 3 मामलों का खुलासा हुआ। घटना 17 सितंबर 2024 की है, जब हेड कांस्टेबल मोहम्मद को एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक जो क्षेत्र में स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल है, काली माता मंदिर सी ब्लॉक PH1 मेट्रो विहार होलंबी कला के पास देखा गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर मैशर अली और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कर रहे थे, जिनके साथ हेड कांस्टेबल मोहम्मद भी शामिल थे। इस टीम का गठन मनोज कुमार SHO के निर्देश पर किया गया। मुखबिर के साथ पुलिस टीम निर्धारित स्थान पर रात करीब 12:15 बजे पहुंची। वहां पहुंचने पर मुखबिर ने एक युवक की पहचान की, जिसे उसने संदिग्ध स्नैचर बताया। इसके तुरंत बाद हेड कांस्टेबल मोहम्मद और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने सतर्कता से उसे पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान भीम, उम्र 22 वर्ष, निवासी मेट्रो विहार के रूप में हुई। आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी जेब से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा आर्म्स एक्ट के तहत FIR दिनांक 18 सितंबर 2024 को दर्ज की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह कई स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल रहा है, जिससे इस क्षेत्र में हुई कई अन्य वारदातों को सुलझाने में मदद मिली है। इस गिरफ्तारी से इलाके में स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिससे जनता में सुरक्षा का माहौल स्थापित है।